नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में। दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 तो ANM और GNM नर्सिंग भर्ती को लेकर के लिस्ट लोगों को आपको इंतज़ार है कि कब तक आएगी। लेकिन लिस्ट से पहले दोस्तों एक और यहां पर मैटर है, EWS आरक्षण। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने दिन में वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि आज 3 बजे वो ज्ञापन दिया जाएगा। तो क्या जानकारी आई है उस ज्ञापन को लेकर, तो वो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, पूरा का पूरा विवरण आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ज्ञापन दिया गया था, कांग्रेस नेता हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, और ये मेरे अलवर ज़िले से ही हैं, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ बांसूर से हैं, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया था। क्या जानकारी उन्होंने खुद दी है अपने फेसबुक आईडी पर। आज सचिवालय जयपुर में ACS चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह से EWS आरक्षण को लेकर नर्सिंग भर्ती में हेतु ज्ञापन दिया गया, यानी कि EWS आरक्षण नर्सिंग भर्ती को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। साथ में नर्सिंग यूनियन के नेता नरेंद्र सिंह शेखावत, शशिकांत शर्मा, सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री मेघराज पवार, पंचायती राज संगठन के सोहन डारा सहित सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टूडेंट मौजूद रहे। तो आज ये ज्ञापन दिया गया है दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे पहले की ये जानकारी है। उन्होंने अपनी खुद फेसबुक आईडी पर इसको अपलोड किया है, और यहाँ फोटोज के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ट्वीट देख सकते हैं, राजस्थान जी राजस्थान न्यूज का, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ मिले ACS रोहित कुमार सिंह से, EWS आरक्षण को लेकर दिया ज्ञापन, नर्सिंग भर्ती 2018 में EWS आरक्षण की मांग। भर्ती 2018 कही थी, जनवरी 2019 में लागू किया गया था EWS का प्रावधान, इसलिए अब नर्सिंग भर्ती 2018 में से लागू करने की मांग, यानी कि 2018 में EWS जो नर्सिंग भर्ती है उसमें लागू करने की मांग की है कांग्रेस लीडर जो है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और नर्सेज यूनियन की तरफ से ये मांग की गई है, और ACS रोहित कुमार सिंह को ये ज्ञापन दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप लोग, फोटोज भी देख सकते हैं, ये धर्मेंद्र राठौड़ जी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं फ़ोटो के अंतर्गत, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा फोटोज भी आप देख सकते हैं, मुख्य भवन गेट नंबर 2 यहाँ पर देखिए राठौड़ साहब नज़र आ रही हैं। नर्सिंग भर्ती 2018 में EWS आरक्षण को लेकर के उन्होंने यहाँ पर नर्सिंग यूनियन के साथ मिलकर के ज्ञापन दिया है कि EWS को नर्सेज भर्ती 2018 में लागू किया जाए। अब दोस्तों, लागू करना या नहीं करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन मांग यहाँ पर उठी है एक बार फिर से नर्सेज भर्ती को लेकर के कि EWS का लाभ इसमें दिया जाए, 10% जो सीटें हैं वो दी जाएँ, EWS रिजर्वेशन के कारण अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए, ये कहा गया है। अब देखते हैं इस ज्ञापन के बाद क्या स्टेटमेंट आता है गवर्नमेंट की ओर से, क्या इसमें आरक्षण दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।